Hello, everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be covering the differentiation of logarithmic and exponential functions. Before proceeding with the differentiation part of these two different functions, we will be first understanding what actually the log and the exponential functions are. So, as you know, you uh, very you will be very well aware that basic. फंक्शन जो और एक्सपोरशियल के होते हैं उनके बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी वुड हैव बीन यू वुड हैव बीन कवर्ड इन क्लास इलेवेंथ लेकिन इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द बेसिक कंसेप्ट इन दोनों फंक्शन के देन इट्स फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो हमें डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोर्ड में आएंगे वो उस बेसिस पे मैं जो जो कंसेप्ट इस वीडियो में कवर करूंगी दैट विल बी मोर देन इनफ कि आप बाकी क्वेश्चन को सोल्व uh, कर सको सो फर्स्ट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग की और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या है देन उसकी कुछ डिफ्रेंसिएशन समझेंगे एंड देन हम कुछ एक्साम्पल्स सॉल्व करेंगे सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आगे हमें कवर करने पड़ेंगे इस कंसेप्ट में एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियोज हम क्या करेंगे हम बेसिक एनसीआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं इन कंसेप्ट में हम वो कवर कर लेंगे दैट इज एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोर एंड एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फाइव सो लेट स्टार्ट यू वुड बी थिंकिंग कि मैं लोगैरिथमिक और एक्सपेरेंशल फंक्शन साथ में क्यों करवा रही हूँ मैं ऐसे भी कर सकती थी कि मैं क्या पहले कंप्लीट कर देती उसकी कंसेप्ट समझा देती एंड देन एक्सपोनेंशियल के समझा देती ऐसा हो सकता है इट्स देर इज नो इश्यूज विद दैट लेकिन दोनों को साथ में समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं एक्सपोनेंशियल समझाऊंगी तो उसमें लॉग कंसेप्ट का थोड़ा बहुत यूज होगा ही होगा और सिमिलरली लॉग को समझने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपोनेंशियल का पता होना ही चाहिए तो इसलिए मैं दोनों फंक्शन को साथ में समझा रही हूँ ठीक है तो बेसिकली लॉगरिथमिक uh, फंक्शन जो होते हैं वो हमारे डिनोट होते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज वाई लॉग ए एक्स हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं उसे हम डिनोट करते हैं एज वाई ए टू दी पावर एक्स हम ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट करते हैं कैसे पढ़ते हैं y जिसमें हमारा ये जो हमने समझा है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बेस a है और सिमिलरली जो हमने y इज इक्वल टू ए टू द्स में भी बेस a है तो हमारे इन दोनों में बेस क्या है हमारा a हमने बेस a लिया है इसमें और इनको समझने के लिए दो कंडीशन आपको पता ही होंगी कि दो कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए पहली कंडीशन होती है कि a की वैल्यू जो होती है बेस की जो होती है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और बेस की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू वन तो ये दो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ी चाहिए टू कंडीशन टू बी सैटिस्फाइड ताकि हमारे फंक्शंस रिप्रेजेंट हो सके ठीक है अब आ, वाई की मैंने लॉगेक्स बताया इसमें लॉगरिथमिक के ना दो टाइप्स होते हैं एक होता है हमारा कॉमन लोगरिथमिक कॉमन लोगरिडम और दूसरी होती है हमारी स्टैंडर्ड नेचुरल लोगरिदम दूसरी होती है हमारी नेचुरल लोगारिदम कि अब हम ये समझते हैं कि ये दोनों क्या होती है कॉमन लोकायर क्या होती है और नेचुरल लोकदम क्या होती है तो कॉमन लोकायर जो होती है वो हमारी रिप्रेजेंट होती है एज वाई लॉग बेस टेन के साथ लॉग एक्स बेस टेन और जो नेचुरल लोकरिदम होती है वो हमारी रिप्रेजेंट होती है एस वाई लॉग एक्स बेस ई ठीक है तो ये हमारी नेचुरल लोकदम होती है इसको हम ना जर्नली एज एल एन एक्स भी लिखते हैं जो हमारी बेस ई e वाली लॉग्स होती है उसको हम एज एल एन एक्स लिखते हैं जो हमारी कॉमन ओगेडम्स होती है ना ये तुम याद रखना ये हमारी मैथ्स और फिजिक्स में यूज होती है जब आप मैथ्स और फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसमें आपको जैसे वाई की कोई लॉग एक्स की वैल्यू गिवन होती है या कुछ होते हैं तो हम उसे जर्नली कंसिडर करते हैं कि उसका बेस जो होगा वो टेन होगा और सिमिलरली जो हमारी नेचुरल ओगेडम होती है वो हमारी मैथ्स में यूज होती है मैथ्स क्वेश्चन में जब भी हमें लॉग एक्स गिवन होते हैं तो हम जर्नली कंसिडर करते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो बेस ई e के इक्वल है और ई e जो होता है हमारा ई e होता है हमारा यूलर्स नंबर क्या होता है यूलर्स नंबर और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है हमारी टू पॉइंट सेवन वन एट टू एट ये वैल्यू होती है ई e की ये आपको याद नहीं करनी मैं जैसे एक जर्नरली आपको बता रही हूं कि ई e जो हमारा डिनोट होता है लॉग बेस में ई e जो होता है वो ई e हमारा यूलर्स नंबर होता है और जिसकी वैल्यू टू पॉइंट सेवन वन एट टू एट होती है ठीक है अब कुछ फॉर्मूलाज जैसे मैंने आपको ये समझाया अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन से समझते हैं कि लॉग और एक्सपोनशियल डिफ्रेंसिएशन में कैसे यूज होता है ठीक है तो जर्नली हमारे पास जब y की वैल्यू e टू द पावर x जैसे देखो इधर मैंने जब जर्नल बताया आपको कि कॉमन लोगरिदम में बेस 10 होता है और जर्नल लोगर में नेचुरल लोगरिदम में बेस e होता है तो सिमिलरली आपने जब इधर समझा तो एक्सपोनेंशियल में भी हमेशा y ए एक्स नहीं होता y की वैल्यू हमारी टू एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स ऐसे भी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है और एक y जैसे बेस e ई एक्स भी होती है हमारी तो आपके एक्सपोनेंशियल में कोई भी ई e यूज हो सकता है एज ए जर्नल नोटेशन ए यूज हो सकता है या कोई नंबर यूज हो सकता है तो वो सारे मैं समझ समझाती हूँ आपको कि कैसे कैसे टाइप्स में कैसे हमारी डिफ्रेंसिएशन लेने हैं ठीक है थीके? तो देखते हैं अब जब मैंने आपको बताया था y की वैल्यू हमारी e जब आपको पता है कि नेचुरल फॉर्म में हमें y की वैल्यू e की पावर x होती है तो इस केस में ना हमारा dy वाई वा जो होता है वो होता है हमारा सिमिलरली ई एक्स ई e की पावर एक्स इसमें और कुछ चेंज नहीं होता वाई ई की पावर एक्स तो उसका डिफ्रेंसिएशन भी ई e की पावर एक्स अब अगर हमारे पास वाई लॉग ई एक्स कि वन होता है मतलब बेस्ड ई जिसमें आपको होता है मैथ्स में हमारा जर्नली यही यूज होगा या इसको हम सिंपली लॉग एक्स भी लिख सकते हैं आप मैथ्स में जब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन या कुछ भी सॉल्व करोगे ना पेपर में आपका लॉग एक्स बेस नहीं गिवन होगा तो आप उसको जर्नली बेस ई ही कंसिडर करोगे तो इस केस में हमारी डीवाई बाई डी एक्स क्या होती है इस केस में हमारी डीवाई बाई डी एक्स वन बाय वन अपॉन एक्स होती है ठीक है, एक ये समझा हमने इसमें आप क्या समझे इसमें हमारी बेस ई कंसिडर करिए हमने क्या बेस ई कंसिडर अब मैं एक बेस ए करके भी बताती हूं आपको कि अगर बेस ए गिवन हो, तो अगर हमारे पास y a की पावर x के है तो इस केस में हमारा dy बाय डी जो होता है वो होता है हमारा a की पावर x एज इट इज और इसको हम log a से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसमें बेस ई था इसमें बेस ए है मतलब ए गिवन है हमें तो ए की पावर एक्स तो एज इट इज आएगा जैसे ई की पावर एक्स था इसमें बस इसमें ये डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पे हम लॉगे से मल्टीप्लाई करते हैं सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पे वाई लॉग एक्स में बेस ए गिवन है तो इसका डिफरेंसिएशन क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन यही होगा सिमिलरली जैसे आपने लॉग बेस ई में लिया था तो क्या था वन बाय एक्स वन बाय एक्स लिखो और सिमिलरली जैसे हमने ए के टर्म में लॉगे से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे भी हमारा लॉगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ए और इधर क्या बेस होगा इधर बेस ई e होगा हमारा तो ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हुआ इन द केस जब हमारा बेस क्या है ए बेस है तो ये आपको समझ आया एंड मैंने जो फॉर्मूला लिस्ट एक डिस्क्रिप्शन में डाली है वो फार्मूला लिस्ट बेसिकली डिफ्रेंसिएशन में जो भी हमारे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें सारे फार्मूलाज एडेड है आप देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है okay, ओके अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं सॉल्व करने के लिए ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन निकालते ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं पहला डिफरेंट एक्सपोनेंशियल का लेती हूं पहले पहले एक्सपोनेंशियल समझते हैं एंड देन लॉग के मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी तो पहले एक्सपोनेशियल एग्जाम्पल मैं लेती हूँ वाई इज इक्वल टू थ्री की पावर एक्स तो y इज इक्वल टू थ्री की पावर x क्या समझ रहे हो a की वैल्यू क्या है इसमें थ्री तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो बहुत ईजी है डिफ्रेंसिएशन क्या होगा a, y की पावर ए वाई इज इक्वल टू ए की पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है a की पावर x इंटू लॉक है तो a की जगह थ्री लगा दो तो डीवाई डाई एक्स आया थ्री की पावर x इंटू लॉक थ्री और बेस क्या आपका e ठीक है आप मत लिखो अगर आपको बेस नहीं लिखना ई नहीं रिप्रेजेंट करना कोई बात नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया मैथ्स में जर्नली जब हम लॉग्स कंसिडर करते हैं तो उनको बेस ई ही हम कंसिडर करते हैं बाय एजाम्शन तो आपको ई नहीं लिखना मत लिखो मैं सब समझाने के लिए बता रही हूं सेकेंड हम लेते हैं एक वाई इज इक्वल टू टेन की पावर एक्स निकाल लो इसका बहुत ईजी है dy बाई डी एक्स क्या आया टेन की पावर एक्स इन लॉग टेन ठीक है एक लास्ट और लेते हैं एक्सरसाइज का कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इसमें भी सिंपल डीवाई बाई डी एक्स बेस ई है तो क्या आया ई e की पावर एक्स ये कुछ एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस थे जो आपको थोड़े एग्जांपल लिए मैंने समझने के लिए अब हम लॉग के एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए ठीक है अब एक एग्जाम्पल लेते हैं लॉग का लॉग के एग्जाम्पल में मैंने पहला लिया वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस टेन है हमारा ठीक है तो क्या आएगा हमारा डीवाई बाई डीएक्स मैंने आपको बताया ना इधर देखो फार्मूलाज लिस्ट में फार्मूलाज लिस्ट में देखो अगर वाई की वैल्यू लॉग ए एक्स है तो क्या डीवाई बाई डी एक्स सिंपली वन बाय एक्स तो आएगा साथ में हमारा हमें लॉग ए से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में एक्स को तो कर दो डीवाई बाई डी एक्स क्या आया हमारा वन बाय एक्स इंटू लॉग टेन और यहाँ बेस ई e. ये आपको समझ आ गया मैं आपको ना एक तरीका बताती हूँ समझाने के लिए ये तो बहुत इजी है मैं आपको एक बार प्रूफ करके दिखाती हूँ कि ये हमारा निकलता कैसे है। तो आई होप आपको पता होगा हमने 11th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़ी थी लॉग्स के लिए वो थी हमारी बेस चेंज थ्योरम ओके बेस चेंज थ्योरम क्या कहती है हमारी बेस चेंज थ्योरम कहती है हमारे पास अगर दो लॉग्स गिवन वन है जब डिवाइड हो रहे हैं जिनका बेस हमारा सेम है लाइक लॉग एक्स और लॉग वाई को हम डिवाइड कर रहे हैं और बेस सेम है ए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं एज लॉग एक्स और इसका बेस जो होगा वो हमारा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो हो जाएगा क्योंकि कॉमन बेस है वो हट जाएगा और ये हमारा बेस चेंज थ्योरम होती है अगर हमारा ये बेस चेंज थ्योरम है तो इस बेस चेंज थ्योरम से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मैं आपको बताती हूं कैसे देखो क्या है इसमें आपको गिवन है लिख दो तो सेम y इज इक्वल टू लॉ बेस टेन एक्स ठीक है अब आपको डीवाई बाई डी एक्स का निकालना है ये मैंने आपको फॉर्मूला के थ्रू बता दिया जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा है अभी मैं वो वाला फॉर्मुला नहीं लगाती हम क्या करते हैं हम सिंपली बेस चेंज थ्योरम से इसको बेस e की पावर में चेंज कर देते हैं क्योंकि e की पावर का बेस का लॉग तो हमें पता है ये, ये सिंपली वन बाय एक्स होता है तो क्या करते हैं इसको हम चेंज कर देते हैं वाई हमारा कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है वाई हमारा रिप्रेजेंट हो सकता है हम आरएचएस से एल एच एस में कन्वर्ट कर रहे हैं देखो हम लॉग हमें गिवन है जहां पे x है और y की वैल्यू 10 है अब हमें उसको इस फॉर्म में करना है कॉमन बेस ए है हम कॉमन बेस e कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमें e की टर्म्स में निकालना है तो क्या आएगा हमारा लॉग बेस e x सेम न्यूमिनेटर में अपॉन लॉग कॉमन बेस e y क्या 10 या गया हमारा y अब सिंपली क्या करना है इसका dy वाई डी निकालना है फॉर्मूला नहीं देखेंगे क्या करना है लॉग एक्स का तो इसको हम लिख देते हैं नॉर्मली क्योंकि बेस ए में ई e मैंने बताया था तो आप हटा सकते हो लिख दो इसको लॉग एक्स पर लॉग टेन तो लॉग एक्स का आपको मैंने बताया था डिफेंसिएशन बहुत ईजी वन बाय एक्स और लॉग टेन क्या हुआ इस टाइम आपका लॉग टेन जो हुआ आपको पता चल रहा है इसमें एक्स की वैल्यू नहीं है तो ये आपका क्या हुआ कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट में मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट का डिफेंसिएशन करते ही नहीं है उसको हम एग्जैक्ट exactly लिख देते हैं तो इन टू देखो सेम आया ना आपका ऊपर जैसे हमने बस इसमें क्या किया बेस चेंज थ्योरम में कन्वर्ट किया इसको बेस ई बनाकर और उसका डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर दिया ठीक है तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो बेस चेंज थ्योरम से एक और एग्जांपल लेते हैं एक और एग्जांपल से और अच्छे से समझ आएगा एक मैं क्वेश्चन लेती हूँ वाई इज इक्वल टू लॉक लॉक एक्सक्र देख के पता चल आपको फंक्शन एंड फंक्शन है कॉम्पोजिट फंक्शन तो आपको क्या रूल अप्लाई करना है चेन रूल चेन रूल अप्लाई करके इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं चेन रूल मैंने आपको बताया था समझाया था बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह डिफ्रेंसिएशन में जब बहुत सारे फंक्शन होंगे तो चेन रूल का यूज करेंगे तो करते हैं हम क्या करते थे चेन रूल में चेन रूल में हम क्या करते थे जो हमारा पहला फंक्शन होता था उसको कंसिडर करते थे और सेम लिख देते थे उसके बाद उस फंक्शन को हटा के बाकी सब का निकालते थे तो पहला क्या है लॉग है तो लॉग का क्या होता है लॉग इसको हम पूरा पहले एक एक्सप्रेशन कंसिडर कर लेते हैं एज एन एक्स इसको एज एन एक्सप्रेशन एक्स कंसिडर कर लेते हैं तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था वन बाय एक्स तो लिख दो अपॉन ठीक है इसका निकल गया हमारा इस लॉग को हटा दो अब क्या है लॉग तो का क्या हुआ वन अपॉन एक्स स्क्वायर अब ये वाला लॉग भी हटा दो तो क्या बचा एक्सक्वायर सिर्फ एक्सक्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपको पता ही है कि हमारा एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन पावर में तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पता ही चल गया होगा सीधा टू एक्स तो लिख दो टू एक्स अब एक्स से स्क्वायर वाला एक्स कट जाएगा तो लिख दो आप टू अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायेर आगे आपका डिफ्रेंसिएशन चेन रूल से बहुत इजी था सो so, ये कुछ हमने एग्जांपल्स लेके समझा कि एक्चुअली में लोग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे फाइव पॉइंट फोर और एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फाइव कवर करेंगे सो so दैट आपको और इजिली समझ आ जा जाए कि कैसे हम इनका डिफरेंशिएशन लेते हैं सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज डोंट फॉरगेट गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल केस यू हैवेन डन इट येट एंड लाइक द वीडियो थैंक यू